खुलेआम घूम रहे दिव्यांग सावेज हत्यारोपी समझौता न करने पर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हत्यारोपित और उनके साथियों की आवाजाही से भयभीत पीड़ित परिवार रात भर छत पर पहरा दे रहा है। पुलिस को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। नीचा सद्दीक नगर में प्रॉपर्टी को लेकर बड़े भाई खालिद व छोटे भाई मुतवलिब के पेट में गोली मार दी थी। दिव्यांग सावेज देखने पहुंचा तो इमरान ने अपने तीन साथियों आसिफ भारती, टोनी व जुबैर के साथ मिलकर दिव्यांग की पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने आसिफ भारती उसके भाई इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतक सावेज की पैरागारी कर रहे चाचा आदिल के फरार चल रहे टोनी समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। मृतक के चाचा का कहना है कि जब वह कचहरी के पैरोकारी के लिए पहुंचा तो टोनी वहां मिल गया और धमकी दी, अगर समझौता नहीं करा तो वह आदिल को भी गोली मार देगा, जिस कारण परिवार घर में कैद होने को मजबूर है। पीड़ित ने लिसाड़ी गेट पुलिस को फरार हत्यारोपी गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। अरे, आप कहाँ के रहने वाले? क्या हुआ आज आप थाने? इंस्पेक्टर साहब से टोनी जुबैर की गिरफ्तारी की मांग करना है। क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला हुआ? हमारे साथ, हम जो मैं जो हूँ साजिद का मृतक का चाचा हूँ, 13-12 को जिसकी हत्या हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं पैरोकारी कर रहा हूँ और मैं मुख्य गवाह भी हूँ। अच्छा। तो मुझे फैसले के लिए डराया धमकाया जा रहा है। अच्छा, कौन लोग धमका रहे हैं? टोनी और जुबैर और उसके अज्ञात बदमाश हैं। अच्छा। उनकी मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोटो भी दी है और हथियारबंद असले के साथ में भी दिया फोटो। अच्छा। मुझे जो धमका रहा है कचेरी के अंदर, उसकी मैंने फोटो ली, उसमें भी इंस्पेक्टर साहब कार्रवाई नहीं करी। किस चीज के लिए मैं धमका रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं? मुझे वे धमका रहा है कि इसमें या तो फैसला कर ले, अच्छा, मुकदमे से पीछे हट जा, वरना उनको तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। तब जब आप थाने आए हो तो इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा है? इंस्पेक्टर साहब तो आश्वासन दे के भेज देते हैं मुझे, लेकिन कोई गिरफ्तारी ही नहीं कर रहे। जो लोग धमकी दे रहे हैं मैं उनके भी प्रूफ दे रहा हूँ, उसमें भी इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं कर रहा है। और टोनी और जुबैर मेरे घर पर दबाव बनवा रहे हैं फैसले के लिए। किन लोगों से दबाव बनवा रहे हैं? इनके रिश्तेदार जो है, इनके भतीजे, चाचा वाचा, क्योंकि उनका कोई पुलिस नहीं गई, कोई छापा नहीं करा भी पुलिस ने, तो वो लोग मेरे पर दबाव बना रहा है। मेरे महल्ले में रहता है, वो कह रहा है कि या तो उसमें फैसला कर ले, वरना उनके तेरी लाश का भी पता नहीं मिलेगा। मुझे मारने की धमकी दे रहा है वो, मुझे और मेरे बच्चों को।